सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। नमस्कार, मैं शशिकांत सिंह आने आज एक बार फिर उपस्थित हूँ पोएट्री एपिसोड के इस भाग में। आज हम ऐसे शायर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी शायरी तो होती उर्दू में है, लेकिन इतनी सरल उर्दू होती है उस जिसे हर एक तबके का आदमी पढ़ सकता है या सुन सकता है। एक ऐसा शायर जो मुस्लिम घर में पैदा हुआ, मिशनरी में पढ़ा और हिंदी बहुल इलाके में पला पढ़ा, और ऐसा एक तीनों मजहबों धर्मों का एक ऐसा कॉकटेल बनाया जिसे आज दुनिया याद रखती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं निदा फाजली जी के बारे में। निदा फाजली जी का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ। इनके बचपन का नाम मुक्तदा हसन था। बाद में जैसा कि हर एक लेखक अपना एक पेन नेम रखता है, इन्होंने भी अपना नाम निदा फाजली रखा, जिसमें निदा का अर्थ आवाज़ होता है, और यकीन मानिए कि आवाज़ ही इनकी लेखनी थी। इनकी लेखनी में एक ऐसा आवाज़ था जो कि बहुत ही विरले कवियों या शायरों में मिलता है। और जो फाजली इनका दूसरा नाम है, वो कश्मीर का एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे उनके पुरखे रहा करते थे, उस जगह के नाम पे इन्होंने अपना नाम निदा फाजली रखा। हम बात करने वाले हैं आज उनके कुछ चुनिंदा रचनाओं की। तो जो उनकी पहली रचना है, मैं आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत में वफादारी से बचिए, मोहब्बत में वफादारी से बचिए, जहाँ तक हो सके अदाकारी से बचिए। मोहब्बत में वफादारी से बचिए, जहाँ तक हो सके अदाकारी से बचिए। हर एक सूरत भली लगती है कुछ दिन, लहू की शुभदाकारी से बचिए। शराफत, आदमियत, दर्दमंदी, बड़े शहरों की बीमारी से बचिए। जहाँ तक हो सके अदाकारी से बचिए। ज़रूरी क्या हर एक महफिल में बैठे, ज़रूरी क्या हर एक महफिल में बैठे, तकल्लुस की रवादारी से बचिए। जहाँ तक हो सके अदाकारी से बचिए। बिना पैरों के सर चलते नहीं हैं, बिना पैरों के सर चलते नहीं हैं, बुजुर्गों की समझदारी से बचिए। जहाँ तक हो सके अदाकारी से बचिए, मोहब्बत की वफादारी से बचिए। निदा साहब की शायरी को समझने के लिए आपको उर्दू का बहुत बड़ा ज्ञाता होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सरल हिंदी उर्दू भी जानते हैं तो बड़े ही आसानी से उनकी शायरी को समझ सकते हैं, उनकी रचनाओं को समझ सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर उनकी चार शायरियाँ पढ़ ली जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि आप उनसे इम्प्रेस हुए बिना आगे बढ़ जाएँ। तो चलिए उनकी दूसरी रचना हम लोग देख लेते हैं, जो आज आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तेरा सच है तेरी अजाबों में, झूठ लिखा है सब किताबों में। एक से मिल के सबसे मिल लीजिए, एक से मिल के सबसे मिल लीजिए, आज हर शख्स है नकाबों में। झूठा लिखा है सब किताबों में। तेरा मिलना तेरा नहीं मिलना, तेरा मिलना तेरा नहीं मिलना, एक रास्ता कई शराबों में। झूठा लिखा है सब किताबों में। उनकी नाकामियों को भी गिनिए, जिनकी शोहरत है कामयाबों में। झूठा लिखा है सब किताबों में। रोशनी थी सवाल की हद तक, रोशनी थी सवाल की हद तक, हर नज़र सोख जवाबों में। झूठा लिखा था सब किताबों में। निदा फाजली साहब के बारे में बात करते हुए शानी साहब ने कहा कि यह संयोग की बात नहीं है कि कुछ जदीद शायरों ने हिंदी उर्दू के बीच में जो दीवार थी उसे ढा कर रख दी। तो अगर हम बात करें ऐसे शायरों में तो निदा फाजली साहब का जो नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने तमाम तरह की शायरियाँ की जो हर एक तबके के लोगों को जोड़ने की बात रही हो। उन्होंने कुछ ऐसे अशायर कह दिए जो कि हर एक मंचों की जान हो गई। ऐसे में उन्होंने कहा कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो कुछ कर लें। घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो कुछ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और अगर सच कहूँ तो इबादत के शऊर से लेकर इंसानियत का जो बुनियाद होता है वो इनकी शायरियों में देखने को मिलता है। जो मुझे सबसे पसंदीदा इनके शेर लगे, इनकी रचना लगी, वो मैं आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी।
सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, रोज़ जीता हुआ रोज़ मरता हुआ हर नए दिन का इंतज़ार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, घर की दहलीज से गेहूं के खेत तक चलता फिरता कोई कारोबार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, जिंदगी का मुकद्दर सफ़र दर सफ़र, जिंदगी का मुकद्दर सफ़र दर सफ़र, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। तो दोस्तों, ये थे निदा फाजली साहब, जिनके बारे में हमने आज आपसे बात की। हम एक नए एपिसोड में एक नए कवि एक नए शायर के साथ उपस्थित होंगे, और एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे आप दबा दें ताकि जो ये एपिसोड आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपने अगले एपिसोड में हम एक नए शायर या एक नए कवि के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।